मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ के आह्वान पर जिले के सहकारी समिति के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद गुरुवार से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ इकाई बालाघाट के जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया है कि समिति कर्मचारी संघ द्वारा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में समिति कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है और अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और कलमबंद आंदोलन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय बालाघाट में भी गुरुवार से आंदोलन शुरू हो चुका है। जब तक सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि हड़ताल के चलते सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं का हो रहा पंजीयन कार्य बंद हो जाएगा और गेहूं खरीदी भी प्रभावित होगी। इसके अलावा किसानों को सोसाइटी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं जिसमें खाद बीज भी नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ ही राशन दुकानों से गरीबों को राशन का वितरण भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल से आम आदमी को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। भी अपना परिचय बताया। मैं पीसी चौहान जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट। आज यहाँ पे हड़ताल की जा रही है, कैसी क्या रूपरेखा है इसकी? आज हमारी जो मांगे हैं वो विगत कई वर्षों से चली आ रही हैं, जिनके लिए आज अनिश्चितकालीन हड़ताल 4 से जो स्टार्ट है और 4-2 से अनिश्चितकालीन के लिए है और कब तक समाप्त होगी जब तक सरकार ना सुने। ये कितना टाइमिंग है आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल? अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू है। नहीं, दिन में कब तक बैठेंगे, कब उठ जाएंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल आप सुन लीजिए, अनिश्चितकालीन निरंतर चलते रहेगी, उठने और बैठने का कोई ऐसा दिन का समय, दिन का समय इसका आशय कुछ नहीं है। आप मैं जो बोल रहा है मेरी आप बाइक लीजिए, इससे कोई दिन और रात में कुछ नहीं, हम डेली बैठे रहेंगे अनिश्चितकाल के लिए जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं। किन मांगों को लेकर मुख्य? मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं जो सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी जो हैं वो विगत कई दिनों से एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे कर्मचारी प्रबंधक से लेकर सहायक प्रबंधक से लेकर के चौकीदार तक के बेच के जो ऑपरेटर्स हैं सारे लोगों को नियुक्त किया, सरकारी कर्मचारी की भांति दर्जा दिया जाए और उन्हें सम्मानजनक वेतन मान हो। दूसरी मांग है जो PDS का राशन कटा हुआ है, जो हमारे उपभोक्ताओं को परेशानी जानी उनको पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारा विक्रेता नहीं दे पाता है और ऐसा उस कटे हुए आवंटन को तत्काल प्रभाव से प्रदाय किया जाए। तीसरी मांग है हमारी कि जो हम आज जो खाद्य इसका उपार्जन का काम करते हैं और उपार्जन के सारे पेमेंट्स बाकी सरकार के पीछे पड़े हैं, ना कमीशन मिला है, ना प्रासंगिक व्यय मिला है, ना हमारे ऑपरेटर्स को वेतन मिला है, ऐसी परिस्थिति में समितियाँ कब तक काम करेगी? इसलिए हमारा सारा कर्मचारी बालाघाट जिला ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश का कर्मचारी उसमें आक्रोशित होकर के हड़ताल के नीचे आ गया, बैनर तले आया है और जब तक मांगे नहीं मानती है तब तक यह निरंतर चलते रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आज से जिन्हें बालाघाट के कितने? आज से बालाघाट में लगभग 1000 कर्मचारी है मेरा और प्रदेश में 55,000 कर्मचारी होता है जो आज इस बैनर तले में पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। बहुत सारी मांगे जो आपने बताए तो पिछले वर्ष भी थी और लंबी समय से है, तो लंबे समय से पिछले बार भी ऐसी कुछ हुआ था लेकिन फिर आंदोलन रोक दिया गया था, अब भी ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, अब ये नहीं हो सकता। अब कट्टरपंथी दल में आ चुके हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, हमने तो ये निर्णय ले लिया है कि अगर 17 तारीख तक अगर सरकार हमारे सहानुभूतिपूर्वक निर्णय नहीं लेती है तो 18 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वार पर जाकर के घेराव बंद करेगी और उसके बाद में अपना सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे सारे कर्मचारी। बालाघाट से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।